मुझे बहुत याद आते हैं मेरे स्कूल के दिन, स्पेशली 15 अगस्त वाले, जब हम लोग झंडा वंदन करते थे, राष्ट्रगान गाते थे. मैं तो इनफैक्ट एनसीसी कैडेट थी, तो मैं परेड मैदान में परेड किया करती थी, लीड करती थी परेड को. वो फ्लैग होइस्टिंग का टाइम और सब लोग का मिल के एक साथ झंडा वंदन करना, आई रियली मिस दोज डेज. बहुत सारे, मतलब सिक्स अपने थर्ड स्टैंडर्ड के गानों से लेके फाइनल ईयर के गानों तक मुझे तकरीबन सभी याद हैं. तो हमारी शुरुआत कुछ उस दौर से हुई थी जब हम गाते थे, हम भारत के बच्चे हैं, भारतवर्ष हमारा है. सो दिस वाज लाइक थर्ड स्टैंडर्ड का गाना. एंड तब से लेके फिर सुजलाम सुफलाम वाले जो शीतलाम तक हम आए, आई रिमेंबर एवरी सॉन्ग. एंड आई स्पेशली लुक यूज टू लुक फॉरवर्ड टू 15 अगस्त की, 15 अगस्त के झंडा वंदन पे जाना और उसके बाद नाना जी के घर जाके जलेबी और समोसे खाना. मेरे नाना जी हमेशा जलेबी समोसे लाया करते थे, पता नहीं शायद वो उनके दौर से चलता आया होगा और वो कल्चर उन्होंने हम तक पास ऑन किया. चेंजेस तो मेरी ज़िंदगी में है, 15 अगस्त तो हमेशा से उतना सुहाना रहा है, उतना ही अमेजिंग रहा है. मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आए हैं, तब मैं झंडा वंदन करने जाती थी अपने स्कूल और अब मौका नहीं मिलता. अब आमतौर पे ये होता है कि मैं रास्ते से लौट रही होती हूँ शूटिंग करके सुबह के 7 बजे और कहीं पे झंडा वंदन हो रहा होता है, मैं रास्ते में उतर जाती हूँ कार से, मैं खड़े होकर जनगण मन गा रही होती हूँ, तो उसका एक अलग ही मज़ा है. आई लुक फॉरवर्ड टू इट. एंड इनफैक्ट अभी मेरी बिल्डिंग में भी हर साल होता है झंडा वंदन, सुबह से पेट्रियोटिक सॉन्ग्स चालू हो जाते हैं. सो मैं कई बार सिर्फ अपने घर की खिड़की से खड़े होकर देख रही होती हूँ, आई स्टिल स्टैंड स्ट्रेट. सभी भारतीयों को दिव्यांका त्रिपाठी की ओर से और ये है मोहब्बते की पूरी टीम की ओर से अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. जय हिंद.